गोरखपुर जिले के AHTU प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अररिया बिहार से 19 नाबालिग बच्चों को प्रलोभन देकर मानव तस्करी कर दिल्ली ले जाए जा रहे नाबालिग बच्चों को बरामद किया गया। साथ ही मानव तस्करी करने वाले 9 आरोपियों को AHTU की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि AHTU गोरखपुर प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में मैं पुलिस टीम सहित जगदीशपुर पुलिस चौकी थाना खोराबार माणापार कोनी तिराहा से मानव तस्करी करने वाले 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस टीम ने 19 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया, कल दिनांक 16 अगस्त 2020 को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि बिहार के जनपद अररिया से 3 बसों में काफ़ी बच्चों को ये दिल्ली ले जा रहा है। इस संबंध में चाइल्ड हेल्पलाइन AHTU व चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य DPO साहब और सभी संबंधित थाना से समन्वय स्थापित किया गया और इसमें अररिया स्थान जनपद अररिया जो स्थान बिहार में है गोरखपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर है, तो उस अभियान में लगने के उपरांत रात्रि में इसमें सफलता मिली। 3 बसों के आने की सूचना थी, तीनों बसें आईं। 2 बसों से 20 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इन 20 बच्चों में 19 की उम्र 18 वर्ष के कम है, औसतन 13-14 वर्ष की आयु है और एक की तकनीकी रूप से जो अभी प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल रही वो 18 प्लस 19 के आसपास 18-19 के बीच उसकी एज है। तो कुल 20 बच्चों की को रेस्क्यू किया गया है और इस परिप्रेक्ष्य में उनको ले जाने वाले 9 लोगों को हिरासत में लेकर के उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। जो बच्चे बरामद हुए हैं उनका क्या किया है? उन बच्चों के संबंध में जो संबंधित जनपद अररिया है वहाँ के चाइल्ड वेलफेयर का जो कमेटी है, हमारे जनपद की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य द्वारा संपर्क स्थापित करके सूचित किया गया है और ये नियमानुसार ये आवश्यक समन्वय स्थापित कर उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उनको भेजने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।